दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों, देखिएगा गिवन क्या है। देर आर टू वेजल और इक्वल कैपेसिटी, वन इज फुल ऑफ मिल्क, सेकेंड इज वन थर्ड ऑफ वाटर। देखिए गिवन क्या है हमें, लेट से एक वेजल ये है, एक वेजल ये है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास मिल्क एंड वाटर गिवन है। ये फुल मिल्क से है, जीरो वाटर है। यहाँ पे जीरो मिल्क और वन थर्ड जो है ये सिर्फ फिल है, दैट इज वाटर। तो मैंने करना क्या है, यहाँ से मैंने यहाँ पे पोर करना है, पहले इसको फिल करना है। देखिएगा अगर सेकेंड वेजल इज फिल्ड अप विद फर्स्ट, चलो जी फर्स्ट से अगर मैं फिल करता हूँ तो बच्चों यहाँ पे टू थर्ड जो है मिल्क आ जाएगा और वन थर्ड जो है मेरे पास वाटर रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, राइट। अब उस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ से तो आपका टू थर्ड चला गया होगा, तो वन थर्ड जो है मिल्क बचा होगा और पानी तो था ही नहीं यहाँ पे, ठीक है जी। अब कहता है कि सेकंड में द कंटेंट सेकंड द पोर बैक इनटू द फर्स्ट, यहाँ से ये वाला इसमें वापस डाल, ठीक है जी। तो वन थर्ड यहाँ पे मिल्क है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू थर्ड, अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, टू थर्ड पार्ट की है। तो यहाँ से टू थर्ड पार्ट ऑफ मिल्क यहाँ पे आएगा, टू थर्ड पार्ट ऑफ वाटर यहाँ पे आएगा, तो ठीक है। प्लस टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन बचेगा आपका 4/9 बच्चों, ठीक है। इसका टू थर्ड पार्ट जो है आपका यहाँ पे आया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, टू थर्ड पार्ट 2/3 दैट विल बी 4/9, ठीक है। अब पानी जो होगा, इसका पानी का भी टू थर्ड गया होगा, यानी वन थर्ड का टू थर्ड पार्ट जो है यहाँ पे आया होगा, दैट विल बी 2/3, ठीक है जी। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इट विल बिकम 7/9 पार्ट और ये बनेगा 2/3 पार्ट। अब ये बना है मेरा नेक्स्ट प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या हो गया होगा एक्चुअल में, अब यहाँ पे रह क्या गया होगा और क्या अपना वापस हमने डालना है वो चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वापस ये चीज़ यहाँ पे पोर करनी है। अगर इस चीज़ को मैं वापस पोर करता हूँ तो उससे पहले देखो बच्चों यहाँ पे क्या रहा होगा, टू थर्ड इसका निकल गया था, टू थर्ड इसका निकल गया था, तो ऑलरेडी जो यहाँ पे पेंडिंग होगा वो तो वन थर्ड ही रह गया होगा। तो यहाँ पे रह क्या गया था मैं वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे वन थर्ड पार्ट रह गया था, तो 2/9 यहाँ पे रह गया होगा, 1/9 यहाँ पे बचा होगा। अब यहाँ से वापस यहाँ पे डालना है, तो 2/9 तो मिल्क है, प्लस इसमें ऐड क्या होगा, 2/3 पार्ट ऑफ दिस में ऐड हो जाएगा, यानी 14/27 पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, 1/9 पार्ट जो है पेंडिंग था उसका, इसका 2/3 यानी कि यहाँ पे 4/9 पार्ट जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस वे से बच्चों जो है यहाँ पे ऐड अपना हो रहा होगा, तो यहाँ पे 1/9 था और 2/3 का 2/3 पार्ट जो है वहाँ पे ऐड होगा, तो ठीक है। 27 जो है बच्चों मेरा एलसीएम आया, 27 9 3 6 और ये होगा 20/27 पार्ट जो है ये बचेगा, और बच्चों ये 5/9 पार्ट जो ये बचेगा। तो मुझसे मिल्क जो है पूछा गया है इन सेकंड वेजल, तो सेकंड वेजल में जो मिल्क है मेरा 20/27 पार्ट रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे पास बनता है सेकंड वन।